subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. DJs Megan and Bachiyu. Hello everyone and welcome back to my channel. This is me Akanksha here and you're watching Chase Your Passion. So friends, आज की जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो है DIY सिल्वेट लैम्प. मैं अपने रूम के लिए एक सिल्वेट लैम्प बना रही हूँ. सिल्वेट क्या है ये मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूँगी. जब मैं आपको बता रही बनाना सिखा रही होंगी उस टाइम पे मैं आपको बता दूँगी कि सिल्वेट आर्ट क्या है. बट अभी आप इतना जान लीजिए कि मैं DIY सिल्वेट लैम्प बनाने जा रही हूँ आज के वीडियो में. और इसको आप बहुत सारे वेज में यूज़ कर सकते हो. आप चाहो तो इसको एज अ नाइट लैम्प भी यूज़ कर सकते हो, एज अ कैंडल यूज़ कर सकते हो, आप जैसे चाहो यूज़ कर सकते हो. ये बहुत ही क्रिएटिव और एक परफेक्ट मास्टरपीस आर्ट पीस डेकोर पीस आपके रूम का होने वाला है. सो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह बनाना चाहते हैं ये एक DIY सिल्वेट लैम्प, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा और बनाइए. फ्रेंड्स ये काफ़ी क्विक है, बहुत ही इजी है, आई मीन बहुत ही कम टाइम में बन जाता है. स्पेशली अगर आप लग के बनाओगे तो हार्डली टेक्स 5 to 10 minutes. एंड इसमें जो बनाने का मटेरियल रिक्वायर्ड है वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजिली अवेलेबल सामान है. ये सारा सामान आपको घर पर मिल जाएगा, आपको कुछ भी बाहर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है और फटाफट बन भी जाएगा. तो आई थिंक आप सभी को एक बार ये ज़रूर बनाना चाहिए. फ्रेंड्स की बनाइए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एक लाइक तो बनता है. और अगर चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले और तुरंत आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है ना. तो फ्रेंड्स फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. उसके लिए हमें एक ब्लैक चार्ट पेपर की ज़रूरत होगी. उसमें आपको अपने मन से आपको जो भी क्रिएचर पसंद हो, लाइक आपको बटरफ्लाई पसंद है या फिर आपको कोई फेरी बनानी है, कोई प्रिंसेस बनानी है, कोई डॉल बनानी है, हार्ट शेप बनाना है, जो भी टाइनी क्रिएचर्स, मतलब जो भी बनाना आपको स्मॉल बनाने हैं ये आपको ध्यान देना, ठीक है ना. तो जो भी क्रिएचर आप चाहते हो अपने लैम्प में दिखाना वो यहाँ पर आपको ड्रॉ करके और उसको सीजर से कट कर लेना है, ठीक है ना. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. मैंने यहाँ पर कुछ हार्ट शेप और कुछ बटरफ्लाई के पीसेस कट करके रखे. लाइक सी हियर, मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ हार्ट शेप्स, कुछ बड़े हार्ट और कुछ छोटे, इस तरह से मैंने कट करके रखा है. ये देखिए कुछ बटरफ्लाइज हैं ये, ठीक है ना. तो इस तरह से हमें इनको ब्लैक चार्ट पेपर से कट कर लेना है, ठीक है ना. अब जो भी क्रिएचर चाहो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो. मुझे यहाँ पर बटरफ्लाई और हार्ट शेप सही लगा तो मैंने कट कर लिया, ठीक है ना. तो इस तरह से आपको इनको कट कर लेना है. कटिंग इज़ रेडी, हमारी कटिंग रेडी हो गई. तो अब आपको लेना है अपना ब्लैंक पेपर जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था. आपको कुछ इस तरह की साइज़ में, रेक्टेंगुलर साइज़ में पेपर लेना है, ठीक है ना. और उस पर आपके जितने भी ये ब्लैक कलर के आपने क्रिएचर्स कट किए हैं आपको इसको इधर पे पेस्ट कर देना है, ठीक है ना. यूजिंग फेविकोल आपको इनको पूरी तरह से पेस्ट कर देना, लाइक सी इस तरह से आपको पूरे पेपर पे इन स्टिकर्स को पेस्ट करना है, ठीक है.
जो हमारे स्टिकर्स थे मैंने उनको यहाँ पर अपने व्हाइट पेपर पर पेस्ट कर लिया। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप पेस्ट करेंगे तो आपको लास्ट का इतना समथिंग 2 or 3 centimeters का आपको एरिया दोनों साइड से छोड़ना है, बिकॉज ये एरिया हम फोल्ड करने वाले। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्टिकर नहीं पेस्ट करना, ठीक है? जितना भी आपको पेस्ट करना है सेंटर पे पेस्ट करना है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर बटरफ्लाई एंड हार्ट शेप्स कुछ कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और ये जो एरिया है मैंने थोड़ा थोड़ा इसे यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स आपको लेना है आपकी ग्लास, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आपको ग्लास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये ग्लास आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो हमने पेपर जहाँ पर हमने ये सब कुछ फोल्ड किया है इसको आपको कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करूँगी, ठीक है। आपको इसको सिलेंडर शेप में ऐसे फोल्ड करके इसके दोनों यहाँ पे लास्ट के एंड्स में, देखिए फ्रेंड्स ये हमने लिया, लाइक यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है। सिंपल आपको इसको ग्लास के शेप में ऐसे, ठीक है ना। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से करके आपको इसके लास्ट के दोनों कोनों को पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। आप इसको पेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए जो आपने पेपर को फोल्ड किया है, ठीक ना, फोल्ड करके हमने यहाँ पर से इसको पेस्ट किया था। इसके पहले हमें एक स्टेप करना था, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था हमें ऑयल चाहिए होगा, ठीक है ना। ऑयल एंड दैट कॉटन बर्ड, मेरे पास कॉटन बर्ड नहीं था सो मैंने ये यूज़ किया, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, जो हमारा ऑयल है उस पर आपको इस कॉटन बर्ड को डिप करना है, ठीक है ना। सी यहाँ पर मेरे पास बेबी ऑयल है, तो मैं यहाँ पर कॉटन बर्ड को डिप करूँगी, ठीक है ना। लाइक मैंने यहाँ पर ऑयल लगा लिया इस बर्ड पे, एंड इसके बाद जो हमारा पेपर है उस पर कुछ एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स देने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो ऑयल है उसको यहाँ पर लगा दूँगी, ठीक है ना। जस्ट आपको एक डॉट रखना लाइक दिस, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पूरे पेपर पे राउंड राउंड करके डॉट्स रखना है, ठीक है ना। ये स्टेप आपको पहले करना है पेस्टिंग के से, बट मैं भूल गई थी इसलिए मैं अभी कर रही हूं, आप मत भूलिएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं अभी भी, ये देखिए इस तरह से आपको सर्कल डॉट्स रखने हैं इस पे, ठीक है ना। मैं आगे इसको टिप कर रही हूँ अभी, फ्रेंड्स सिल्वेट में आपको, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, सिल्वेट जो है वो एक आर्ट है जो कि सॉलिड कलर से बनाया जाता है, स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट कलर भी यूज़ किया जाता है इसमें। और ये जो सिल्वेट है, ये हमारा जो लेंथ है वो कुछ इस प्रिंसिपल पे काम करेगा, लाइक जो ब्लैक कलर है वो लाइट को रोकता है एंड व्हाइट कलर जो है वो लाइट को पास आउट करता है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हमारा जो लेंथ है वो काम करेगा। सिल्वेट जो हमने बताया एक आर्ट है, स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट कलर बनाया जाता है, फ्रेंड्स ये सॉलिड कलर का होता है। आई मीन जितनी भी हम इसमें पेंटिंग करते हैं वो पूरी एक कलर की होती है, अगर हम ब्लैक कर रहे हैं तो पूरा ब्लैक ही होगा वो, ठीक है ना। तो इस तरह से सिल्वेट आर्ट होता है। अगर आपको नहीं पता तो, अगर आपको और जानना है सिल्वेट आर्ट के बारे में तो आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, ठीक है ना। गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। बट मैं आपको एक लैंप बनाना सिखा, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है ना। सो इस तरह से मैं यहाँ पर हर जगह पर टॉर्च रखूँगी, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा आपके इसमें एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बट में, वरना वो फैल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको डार्क कर लूंगी, पूरे सर्कल कर, आपका कॉटन बर्ड जो आप यूज करोगे वो एकदम क्लीन होना चाहिए। अगर आपके पास कॉटन बर्ड नहीं तो आप इसमें से कोई लेड यूज कर सकते हो, आपके घर के हो मम्मा के परमिशन से, ठीक है ना, कर सकते हैं उसको। ओके, तो फ्रेंड्स हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको डॉट कर लिया है। फ्रेंड्स ये देखिए जो मेरा लैंप का पेपर था, मैंने इसको हर जगह से ऑयल से डैप कर लिया है, ठीक है ना। फ्रेंड्स ऑयल से क्या होता है ना कि जो हमारा पेपर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑयल का यूज़ किया है। अगर आपको विश आपने कभी ऐसा ट्राई किया, आपकी कॉपी पे अगर कभी ऑयल गिरा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जो पेपर है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाता है, ठीक है ना। आई मीन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर ऑयल के डॉट्स रखे। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको लेना है आपकी कैंडल, जो हमने आपको स्टार्टिंग बताया था, मैं यहाँ पर कैंडल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई
भी ब्राइट थिंग हो, कोई भी ब्राइट टॉय हो या कोई टॉर्च टाइप से कोई एलईडी हो छोटा सा जो आप उसके अंदर रख सको तब तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो बेस्ट वे है, सबसे अच्छा और सबसे कन्वीनियंट क्विक, अगर आप तुरंत बनाना चाहते हो तो आप कैंडल एंड मैच बॉक्स से यूज करो। फ्रेंड्स आपको अब क्या करना है, आपको लेना है आपकी ग्लास लाइक सी या यहाँ पर आपको अपनी ग्लास लेना है एंड आपको ग्लास के अंदर अपनी कैंडल को रख के कुछ इस तरह से और इसको मैच बॉक्स से जला करके, ठीक है ना, हमारी कैंडल को जला करके और इस पेपर को आपको इस पूरी ग्लास को इस पेपर से कवर कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको देखना है मैजिक और आपका डीआईवाई सिल्वर लैंप जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स हियर इट इज़ माय वीडियो, ये देखिए हमारा डीआईवाई सिल्वर लैंप जो है वो बनके पूरी तरह से रेडी है, कितना ब्राइट लग रहा है। अगर आप नाइट टाइम में सोने से पहले इसको अपने रूम में लगाते हो तो बहुत ही अच्छी नींद आने वाली है, आई एम डैम श्योर आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी, आप किसी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उसको आप इस सिल्वर लैंप से सरप्राइज कर सकते हो। बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है, बहुत ही अच्छा लगेगा ये अगर आप रूम में डेकोरेट करते हो तो। सी फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल छोटा छोटा सामान जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है, आपको कुछ भी बाहर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे ये बन जाएगा। सो फ्रेंड्स मैं आपको सबको यही कहना चाहूँगी प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का DIY कैसा लगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ एक बार ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ओके देन थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम। Back to you.